नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव फिजिक्स। देखिए, बिहार में महागठबंधन की सरकार बनते ही और नई कैबिनेट का गठन होते ही आप कह सकते हैं कि बिहार की राजनीति में, बिहार की सत्ता में मुसलमानों की किस्मत खुल गई है। जो किस्मत 2020 में बंद हो गई थी जब बिहार में एनडीए की सरकार बनी थी, 2020 के विधानसभा चुनाव के संपन्न होने के बाद बिहार में नीतीश कुमार ने बीजेपी के संग मिलकर मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। 2020 को याद कीजिए, बड़ा संकट पैदा हो गया था। किसे बनाया जाए मंत्री? क्या बिहार का मंत्रिपरिषद ऐसा होगा जिसमें कोई मुसलमान मंत्री होगा ही नहीं? तो ये संकट कैसे खत्म किया गया था? देखिए, जमा खान बीएसपी से चुनाव जीत कर आए थे। जेडीयू के पास संकट था, बीजेपी के पास भी संकट था, तो जमा खान को शामिल कराया गया जेडीयू में, तब जाकर बिहार मंत्रिपरिषद में जमा खान मंत्री बने थे और मुसलमान मंत्री हुए थे। तो अब यह सवाल पैदा हुआ कि एक ही कैसे? तो बीजेपी ने अपने सेंट्रल लीडर, केंद्र के नेता शाहनवाज हुसैन को बिहार भेजा, बिहार विधान परिषद का सदस्य बनाया और शाहनवाज हुसैन को उद्योग मंत्री भी बनाया। उद्योग मंत्री की हैसियत में उन्होंने जो काम किया वह काबिले तारीफ है। देखना होगा कि अब जो नई सरकार है, महागठबंधन की सरकार है, वह उद्योग मंत्री किसे बनाती है और वह कितना कार्य कर पाते हैं, क्या वह शाहनवाज हुसैन के रास्ते पर चल पाते हैं। खैर, यह तो बात हुई शाहनवाज हुसैन की और जमा खान की। लेकिन अब जबकि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी है तो सूरत बदल गई है। देखिए, आज जब 31 मंत्रियों ने शपथ ली तो सबसे अधिक यादव जाति के मंत्री बने हैं, लेकिन इसके बाद मुसलमान ही हैं। देखिए, जमा खान को नीतीश कुमार ने फिर से मंत्री बनाया। उन्होंने उस वचन को पूरा किया कि यदि आपको हम बसपा से जेडीयू में ला रहे हैं तो मंत्री बनाएंगे। तो महागठबंधन की सरकार में भी जमा खान मंत्री बन गए हैं। शाहनवाज हुसैन हो नहीं सकते क्योंकि वे बीजेपी में हैं। तो अब देखिए, आरजेडी ने 3 मुसलमानों को मौका दिया है और यह मौका किन्हें किन्हें दिया? तो आरजेडी ने बनाया शाहनवाज आलम को, जो कि हाथ के विधायक हैं, तस्लीमुद्दीन के बेटे हैं। तस्लीमुद्दीन के बारे में आपको पता है कि उन्हें सीमांचल का गांधी कहा जाता था। तो ये शाहनवाज आलम पहले ओवैसी की पार्टी में थे, ओवैसी की पार्टी से ही जोकीहाट का चुनाव जीते थे, अपने ही भाई सरफराज अहमद को चुनाव हराया था। आरजेडी के उम्मीदवार थे सरफराज अहमद, तो शाहनवाज को पुरस्कार मिला। अब देखिए, इसराइल मंसूरी कांटी मुजफ्फरपुर के विधायक पहली बार चुनाव जीते और मंत्री बन गए हैं। समीम अहमद, देखिए, नरकटिया के विधायक, इन्हें भी मंत्री बनाया गया। और कांग्रेस ने अफाक आलम को, पुर्डिया के कस्बा के विधायक हैं। तो यादवों के बाद मुसलमानों की चलती बढ़ी है बिहार की सरकार में, बिहार की सियासत में उनको तवज्जो मिला है। देखना होगा ये कितना काम अपने समाज के लिए करते हैं, देखना होगा कि महागठबंधन की सरकार को ये कितनी मजबूती प्रदान करते हैं, देखना होगा कि इन्हें जो स्थान मिला है उसका फायदा 2024 के लोकसभा चुनाव और 2025 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन को क्या मिलता है, हम आपको बताते रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।